हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग जो है बीए पार्ट वन एग्जामिनेशन जो 2020 में हुआ है, बीए वन का पेपर है ये सोशियोलॉजी का, और ये पेपर वन एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है। ठीक है, तो आज ये बीए वन का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। छात्रों, ये जो पेपर है ये केवल बीए के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वली जो है वो नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी, आरपीएससी या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जहां पर सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो छात्रों, आपको ये बड़े ध्यान से देखना है, एलिमेंट्स इन सोशियोलॉजी से संबंधित प्रश्न पत्र है और इसी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2020 में ये परीक्षा हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 है। 100 मींस 100 क्वेश्चंस भी है, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चंस हैं, तो 100 क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है, इक्वली वन क्वेश्चन इक्वल टू वन नंबर। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पवित्र और साधारण में भेद के आधार पर धर्म की व्याख्या किसने की है। पवित्र और साधारण, ये पवित्र और साधारण का जो प्रयोग है उसने अपने धर्म की व्याख्या में किसने की है। ऑप्शन आपके सामने है, कार्ल मार्क्स ने, इमैनुअल दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, मैलनोवस्की ने। तो ऑब्वियसली ये इमैनुअल दुर्खीम ने जो है वो ये सेक्रेट एंड प्रोफेन की बात की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर दो है, प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति प्रतिमान की ओर संक्रमण परिवर्तन की किस प्रक्रिया की विशेषता है। ध्यान से इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति की ओर कोई भी प्रतिमान जा रहा है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। ऐसा कौन सा है, इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि भू स्वामित्व से वर्ग या वर्ग से जाति या जाति से वर्ग या गाँव से नगर। तो प्रदत्त प्रस्थित क्या है, प्रदत्त प्रस्थिति है जाति, और अर्जित प्रस्थित क्या है, वर्ग। तो प्रदत्त प्रस्थित से अर्जित प्रस्थित की ओर जा रहा है, तो इसका आशय ये हुआ कि जाति से वर्ग की तरफ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, प्रदत्त और अर्जित प्रस्थितियों में भेद किसने किया है। ऑप्शन है सोरोकिन, ग्रीन, लिंटन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में जो भेद किया है वो राल्फ लिंटन ने किया है। प्रश्न नंबर चार है, निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप, यहाँ देखिए रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा दी है, पार्सन्स, मर्टन, समनर, टानीज। तो ये संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो मर्टन ने दिया है। कमेंट बॉक्स में आप भी लिखते रहिए और उसके बाद स्कोर चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऑप्शन है दुर्खीम, हर्स्कोविट्स, हावेल, टेलर। तो ये संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्स्कोविट्स कहते हैं। प्रश्न नंबर छः है, उस लेखक को चिन्हित कीजिए जिसने स्वयं को एक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित किया है। स्वयं को एक धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित किया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, टाइलर, दुर्खीम, वेबर, मार्क्स। तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात की थी और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा कि जो धर्म के विचारों की भूमिका है उसी ने पूंजीवाद को उत्पन्न किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने को धर्म और सामाजिक परिवर्तन से संबद्ध किया। प्रश्न नंबर 7 है कि किसने कहा है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये एक परिभाषा है, किस विद्वान ने ये कहा है। ऑप्शन आपके सामने है, वार्ड, समनर, गिलिन और गिलिन, मैक्स वेबर। तो ये परिभाषा जो है वो वार्ड की है, वार्ड ने ही कहा है समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। प्रश्न नंबर 8 है, मार्क्स के अनुसार एक वर्ग व्यक्ति की उस परिस्थिति के आधार पर परिभाषित किया जाता है जो उसे निम्न प्रक्रिया में प्राप्त होता है। वर्ग व्यक्ति की परिस्थिति के आधार पर,
और उसे किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? उपभोग की प्रक्रिया, उत्पादन की प्रक्रिया, वितरण की प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया। तो मार्क्स जो है उसको प्रोडक्शन की प्रोसेस से जोड़ते हैं, ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया से। प्रश्न नंबर 9 है, धर्म के आत्मावाद का सिद्धांत, जो धर्म का आत्मावाद का सिद्धांत है, एनिमिस्टिक थियोरी ऑफ रिलीजन। ऑप्शन आपके सामने है, ईवी टाइलर, ए कॉन्ट, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो ये जो सिद्धांत है वो ईवी टाइलर ने दिया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि समाज की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? समाज की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत, तो ये सिद्धांत वेस्टर मार्क, सर हेनरी मैन, जेम्स फ्रेजर मार्गन। तो ये जो सिद्धांत है वो वेस्टर मार्क ने प्रस्तुत किया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए अगस्त कांट ने किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन है, सामाजिक स्थिति की, सामाजिक गति की, सामाजिक भौतिकी और सामाजिक यांत्र की। तो अगस्त कांट ने समाजशास्त्र की रचना के पहले, सबसे पहले उन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स की उन्होंने बात की थी। और बेल्जियम के एक वैज्ञानिक थे एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने अपने एक लेख में इस सोशल फिजिक्स का प्रयोग किया, जिसकी वजह से अगस्त कांट ने सोशल फिजिक्स का नाम बदल कर अपने नए शास्त्र का नाम समाजशास्त्र रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि अर्जित प्रस्थिति है अभिभावक द्वारा वंशानुगत रूप से प्राप्त, जाति अभिमुख मानसिकता वाले लोगों से साझा, योग्यता द्वारा प्राप्त करना, भौगोलिक दशाओं पर आधारित। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो अर्जित प्रस्थिति है वह व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर जो चीज़ अर्जित की जाती है वो अर्जित प्रस्थिति होती है। ठीक है, अचीव्ड स्टेटस, ये अचीव्ड स्टेटस है। प्रश्न नंबर 13 है कि सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग की बात है ये, कि का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पैरेटो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है आगबर्न ने, तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, आगबर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि किसने सर्वप्रथम वाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? वाह्य समूह, ठीक है, ये आउट ग्रुप है वाह्य समूह, कूले, बेल, समनर, स्माल। समनर इसमें, इसका आंसर समनर है, उन्होंने अंता समूह और वाह्य शब्द शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। प्रश्न नंबर 15 है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की अवधारणा किसने दी है? आकबर्न और निमकाफ, अर्नाल्ड ग्रीन, दुर्खीम, मैकाइबर एवं पेज। तो ये अवधारणा मैकाइबर एंड पेज ने दी है। परिवार उदाहरण है समिति का, समुदाय का, संस्था का या ए तथा सी दोनों का, अर्थात समिति और संस्था दोनों का। तो परिवार जो है वो परिवार एक संस्था भी है जब उसके नियमों और अन्य सारी चीज़ों को देखते हैं, और दूसरा समिति भी है जब उसमें हम परिवार के सदस्यों के तौर पर उसको देखते हैं तो वो समिति होता है। तो इस प्रकार से ये डी, ए तथा सी दोनों, इसमें समिति और संस्था दोनों सही है। प्रश्न नंबर 17 है, कथन है और कारण है। कथन क्या है कि जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है, कि जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है कि जाति का क्षेत्रीय आधार नहीं होता। अब समुदाय की मुख्य विशेषता क्या है कि उसके साथ में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, अब जाति में तो कोई समुदाय, जाति में कोई क्षेत्रीय आधार या निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो होता नहीं है, तो इस वजह से जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। इस वजह से अगर अब हम इसका ऑप्शन देखें कि कथन, कथन भी सही है और कारण, कारण भी सही है, और जो कथन है उसकी कारण व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 18 है, फोक बेज, ये फोक बेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वार्ड, कोंत, स्माल, समनर। तो फोक बेज की जो रचना की है वो समनर ने सर्वप्रथम की है।
अगर कोई व्यक्ति, प्रश्न नंबर 19, अगर कोई व्यक्ति एक समय एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, विवाह एक समय में एक ही स्त्री से हो रहा है परंतु तलाक और पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है, अर्थात तलाक देता है और पुनः विवाह भी कर लेता है, तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या क्रमिक बहुपत्नी विवाह? तो बहुपत्नी विवाह जो होता है जब एक ही समय में कई पत्नियों, कई स्त्रियां हों उसके साथ में, तो यह जो मामला है चूंकि वो तलाक दे रहा है और पुनर्विवाह कर रहा है तो यह आएगा क्रमिक एक विवाह में, ठीक है, सीरियल मोनोगेमी होता है ये। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं है। ऑप्शन है प्रौद्योगिक सहायता का पूर्ण अभाव, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभ प्राप्ति का लक्ष्य। आदिम अर्थव्यवस्था जो है वह परंपरागत अर्थव्यवस्था होती थी, तो उसमें प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्ण अभाव होता था, ये ऑप्शन सही है। वस्तु विनिमय व्यवस्था, वस्तु विनिमय ही लागू होती थी, जीवन निर्वाह का स्तर होता था, जो भी किया जाता था वो केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए हो जाता था। आदिम अर्थव्यवस्था में लाभ प्राप्ति के लिए कोई काम नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन हमको बताना कि विशेषता नहीं है, तो लाभ प्राप्त का लक्ष्य आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सा सुमेलित है, सुमेलित करना है, आत्मावाद टायलर, मानववाद दुर्खीम, धर्म का सामाजिक सिद्धांत फ्रेजर, प्रकृतिवाद कांडर गिटन। तो आत्मावाद टायलर ये सही है, मानववाद दुर्खीम ये गलत है, सामाजिक, अब ये धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है, ठीक है, और ये प्रकृतिवाद जो है मैक्स मूलर ने दिया है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न नंबर, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, व्हाट इज सोशियोलॉजी, पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न, ऑप्शन है कूले, पार्सन्स, एलेक्स इंकल्स, मैक्स वेबर। तो ये जो पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी है, यह पुस्तक लिखी है एलेक्स इंकल्स द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। समुदाय से संबंधित विशेषता नहीं है, व्यापक उद्देश्य। अब समुदाय का क्या होता है, व्यापक उद्देश्य होता है? नहीं होता, उसका एक सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य नियम होते हैं, कोई नियम नहीं होता उसमें, औपचारिक अनौपचारिकता पाई जाती है। विशिष्ट नाम नहीं होता, नन आबदी अब, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, कोई भी इसमें विशेषता समुदाय की नहीं है। द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया है? शीत जगत का नाम, कोल्ड वर्ल्ड की बात कही है द्वितीयक समूहों को। ऑप्शन आपके सामने टानिस, कूले, लैंडिस, लुंडवर। तो ये जो द्वितीयक समूह को शीत जगत की संज्ञा दी है वो लैंडिस ने दी है, पीएच लैंडिस। प्रश्न नंबर 25 है, समाज संघर्ष से आच्छादित सहयोग है। अब यही कहीं 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 ये लिख के आता है काटा हुआ सहयोग है, काटा हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये काटा हुआ लिखा जाता है लेकिन यहाँ आच्छादित सहयोग है। यह कथन किसने दिया है? मैकाइवर और पेज, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पैरेटो। तो ये जो कथन है वो मैकाइवर और पेज का है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सी व्यावसायिक गतिशीलता अर्थव्यवस्था है, व्यावसायिक गतिशीलता द्वारा विशेषीकृत है? ऑप्शन है जनजातीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक गतिशीलता जो पाई जाती है वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 27 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक विशिष्ट समूह के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक समूह के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैल रहे हैं तो उसका नाम है सात्मीकरण, उद्विकास, व्यवस्थापन, विसरण। तो इसको कहते हैं विसरण, ये विसरण है, और जो डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं, इसकी वजह से एक सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते हैं, प्रसार। लिंग, आयु एवं जाति,
ये किस परिस्थिति के उदाहरण हैं? लिंग, आयु एवं जात, आर्थिक परिस्थिति के, अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिंग, आयु एवं जात जो है ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आती है, इसको व्यक्ति अचीव नहीं कहता, इसको वो जन्मजात रूप से वो मिलता है। प्रश्न नंबर 29 है, समाज शास्त्र मुख्य रूप से समकालीन समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र समकालीन समाज का, जबकि मानव शास्त्र मुख्यतः अध्ययन किसका, जैसे समाज शास्त्र समकालीन समाज का अध्ययन करता है तो मानव शास्त्र किसका अध्ययन करता है, औद्योगिक समाज का, शहरी समाज का, आदिम समाज का या ग्रामीण समाज का? तो मानव शास्त्र जो है वो आदिम समाज का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गेमाइनशाफ्ट, टानिज, सही सुमेलन बताना है। गेमाइनशाफ्ट, टानिज, औद्योगिक समाज स्पेंसर, सामाजिक सुदृढ़ता दुर्खीम या फिर उपर्युक्त सभी? तो गेमाइनशाफ्ट टानिज का है सही है, औद्योगिक समाज स्पेंसर का है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सामाजिक सुदृढ़ता सोशल सॉलिडरिटी दुर्खीम का यह सही है। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? ऑप्शन है कौन, पार्सन्स, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको किसने दिया है, दुर्खीम ने। ये जो पुस्तक है ये दुर्खीम की प्रथम मेथोडोलॉजी पर प्रथम पुस्तक है। प्रश्न नंबर 32 है कि किसने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है डब्ल्यू ई मूर, किंग्सले डेविस, डेविस और मूर, कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर होगा डेविस एवं मूर, ठीक है, किंग्सले डेविस एवं मूर। प्रश्न है 33, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन है सामाजिक मूल सामूहिक होते हैं, सामाजिक मूल्यों के संबंध में किसी समूह में मतैक्य पाया जाता है, सामाजिक मूल्य स्थिर होते हैं, सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। तो सामाजिक असत्य कथन का चुनाव करना है, सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं, सही है। सामाजिक मूल्यों के संबंध में किसी समूह में मतैक्य पाया जाता है, पूरे समाज में उसके प्रति कॉन्सेंस होता है, और सामाजिक मूल्य स्थिर होते हैं, ये गलत है। सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं, सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी सही है। इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मूल्य स्थिर होते हैं, ये गलत होगा, सामाजिक मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि जब सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सभी भाई मिलकर, यहां पर आपको ध्यान देना इस शब्द पर, किससे कर रहे हैं, एक स्त्री से। ऑप्शन है भ्रातृक बहुपद विवाह, बहुपद विवाह, देवर विवाह, समूह विवाह। तो जब सभी भाई मिलकर कर रहे हैं तो एक तो हो गया भ्रातृक, अब एक ही स्त्री से कर रहे हैं तो जब सभी लोग इसके पति हो गए तो भ्रातृक बहुपद विवाह हो जाएगा। ये अब भ्रातृक बहुपद विवाह का सबसे बढ़िया उदाहरण है द्रौपदी का विवाह, महाभारत के द्रौपदी का विवाह जो है वो भ्रातृक बहुपद विवाह का बहुत ही सटीक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि विज्ञान पद्धति का सागामी है ना कि विषय वस्तु का, ठीक है, अर्थात इसमें मेथड को महत्व दिया जाता है ना कि सब्जेक्ट मैटर को। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, ए एवं बी दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन है कार्ल पियर्सन और स्टुअर्ट चेज दोनों का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 36 है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन संबंध रखता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय से ऑप्शन है कि केवल वीरकांत, केवल हाबहाउस, केवल मैक्स वेबर, उपर्युक्त सभी। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया था वो सीमेल ने किया था, सीमेल, और इसके जो समर्थक हैं वो वीरकांत हैं, टानिज हैं, वानवीज हैं और मैक्स वेबर हैं। तो इसमें ऑप्शन वीरकांत भी सही है और मैक्स वेबर भी सही है, ठीक है, ये ऑप्शन ए और सी इसमें दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? सामाजिक प्रतिमान का उदाहरण नहीं है, लोकाचार, विधि कानून, प्रथा, मुहावरे। सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत जो आता है वो लोकाचार आता है,
विधि कानून आती है, प्रथाएं आती हैं, परंपराएं आती हैं, लेकिन मुहावरे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 38 है, किसने समाज शास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है जिन्सबर्ग, बी सोरोकिन, सी दुर्खीम, डी हाबहाउस। तो ये जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन है वो चार प्रकारों में गिन्सबर्ग ने किया है। जिन्सबर्ग भी इनको कहते हैं, गिन्सबर्ग कहते हैं, जिन्सबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर 39 है, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, माइक्स मूलर, ई वी टाइलर। ये जो सिद्धांत है वो इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 40 है, जनजातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया, जनजातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आधुनिकीकरण से, पश्चिमीकरण से, धर्मनिरपेक्षीकरण से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जनजातीय जब उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं, संस्कृतिकरण। और ये जो अवधारणा है वो दिया है श्रीनिवास ने, एम एन श्रीनिवास। ये संस्कृति इसमें क्या आता है कि जब कोई जनजात या हिंदू जाति अपने से उच्च जातियों के व्यवहारों का अनुसरण करती है तो ये संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं कि द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध की प्रधानता होती है? संबंध की प्रधानता होती है आमने सामने के संबंध के, अनौपचारिक संबंध के, औपचारिक संबंध के या व्यक्तिगत संबंध के। तो आमने सामने का संबंध और अनौपचारिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध ये सभी क्या है, प्राथमिक समूह के हैं, जबकि औपचारिक संबंध जो है ये द्वितीयक समूह की विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 42 से, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? केवल संस्था, ऐसा नहीं कि दोनों का समिति हो, केवल संस्था उसमें होती है। तो ये ऑप्शन है विवाह, पाठशाला, परिवार, क्लब। तो केवल संस्था का उदाहरण विवाह है, जबकि पाठशाला, परिवार, क्लब ये सब क्या है, समिति और संस्था दोनों है। ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट के मर्टन ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने, टॉलकॉट पार्सन्स ने, चार्ल्स कूले ने। लघु समुदाय की अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? ये एक बात किसने कही है? ऑप्शन है कपाड़िया का, वेस्टरमार्क का, मर्डॉक का, समनर का। तो ये बात जो है इसका वेस्टरमार्क ही नहीं है और मैलिनोवस्की भी इस बात को कहते हैं, मैलिनोवस्की। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, मैलिनोवस्की और वेस्टरमार्क। प्रश्न नंबर 45 है, किस भारतीय विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत हुई? वह भारतीय विश्वविद्यालय बताना है जहाँ पर समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किया गया। ऑप्शन है चेन्नई विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में और बम्बई विश्वविद्यालय में। तो समाजशास्त्र का जो अध्ययन एक विषय के रूप में सबसे पहले किया गया वो बम्बई विश्वविद्यालय में किया गया। प्रश्न नंबर 46 है, स्वजाति चेतनता समाज है, ये बात, ये समाज की परिभाषा किसने दी है? गिडिंग्स ने, दुर्खीम ने, स्पेंसर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज की यह परिभाषा दिया है गिडिंग्स ने। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समित नहीं है? हमें वो बताना है जो समित ना हो। ऑप्शन है पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्तियों का समूह, श्रमिक संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो जो ये पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्तियों का समूह है एक समूह हो सकता है लेकिन समित नहीं हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। बाकी ये सभी समित के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने हम की भावना, अस्थायी प्रकृति, जनसंख्या, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है, जो विशेषता ना हो उसको बताना है। तो हम की भावना भी समुदाय में पाई जाती है, इसकी जनसंख्या भी इसमें होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और इसकी प्रकृति जो है वो अस्थाई होती है, अस्थाई। ये इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति का प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में वर्गीकरण किसने किया है?
इलियटियम मैरिल, किंग्सले डेविस, टॉलकट पार्सन्स उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि लिंटन ने अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण प्रधान प्रस्थित की अवधारणा, प्रश्न नंबर 50, प्रधान प्रस्थित की अवधारणा दी गई, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है आर लिंटन द्वारा, किंग्सले डेविस द्वारा, योरेट ह्यूजेस द्वारा, टैलकट पार्सन्स द्वारा। तो प्रधान प्रस्थित या मास्टर स्टेटस की अवधारणा दी गई है योरेट ह्यूजेस द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51 है, जटिल श्रम विभाजन विशेषता है जनजातीय समाज की, आदिम समाज की, पशु समाज की, आधुनिक समाज की। तो जो सरल श्रम विभाजन होता है वो जनजातीय समाज की विशेषता होती है और जटिल श्रम विभाजन जो है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है? वो ऑप्शन हमको छांटना है जो आर्थिक संस्था हो। तो ऑप्शन है उत्पादन की प्रणाली, कारागार, न्यायालय, निम्न में से कोई नहीं। तो आर्थिक संस्था जो है वो उत्पादन की प्रणाली है, कारागार और न्यायालय ये आर्थिक संस्थाएं नहीं है। प्रश्न नंबर 53 है, समाज शास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लोकाचार, यही मोर्स। ऑप्शन है समनर ने, व्योगार्डस ने, वीरस्टीड ने, कार्ल मार्क्स ने। तो समनर ने अपनी पुस्तक फोक बेज में जनरीतियां और लोकाचार की अवधारणा दी थी, बात की थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा समनर ने। कौन सा, प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा कथन संस्कृत की विशेषता के लिए गलत है? संस्कृत की विशेषता नहीं है, इसमें यह बताना हम लोग को, संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत सीखी जाती है, प्रत्येक समाज की संस्कृत एक जैसी होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृत का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, संस्कृत सीखा जाता है, प्रत्येक समाज की संस्कृत एक जैसी होती है, ये गलत है क्योंकि हर एक समाज की संस्कृत जो है वो डिफरेंट हो जाती है, अलग अलग होती है। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर 55 क्या है, कि समाज शास्त्र के जनक के रूप में कौन माना जाता है? सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि समाज शास्त्र का जो जनक है वो अगस्त कांट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 पे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक संविदा सिद्धांत, हाप्स, लॉक, रूसो, उपर्युक्त सही भी। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत से ये हाप्स, लॉक, रूसो ये सभी लोग सही हैं। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? जटिल श्रम का विभाजन, वस्तु विनिमय, व्यक्तिगत संपत्ति, प्रतिस्पर्धा। तो ये जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की पहचान है वो वस्तु विनिमय नहीं है क्योंकि वस्तु विनिमय जो है वो आदिम समाज की विशेषता है, जनजातीय समाज की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, ये बताना है समाजशास्त्री कौन नहीं है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो जो समाजशास्त्री नहीं है वो है चार्ल्स डार्विन, क्योंकि मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर सभी लोग समाजशास्त्री हैं, चार्ल्स डार्विन जो है वो जीवशास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 59 है, धर्म का कार्य है, धर्म के कौन कौन से कार्य होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखना, समाज में एकता उत्पन्न रखना, पवित्र और अपवित्र में अंतर करना, या फिर उपर्युक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण, एकता उत्पन्न करना, पवित्र और अपवित्र अंतर करना, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 60 है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि उसके पास आधुनिक समाज है, उसके पास धन है, उसके पास परमाणु बम है, या फिर उसके पास संस्कृत है। तो जो मानव को श्रेष्ठ बनाती है वो उसको संस्कृति ही श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है हमको। प्रस्थित प्रत्येक व्यक्ति के गुणों का योग है, प्रस्थित व्यक्ति के पद की सूचक है, एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, परिस्थितियां एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति की तुलना में प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों का परिचायक है। तो प्राप्त ये ऑप्शन भी सही है, एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियां ये भी सही है, और परिस्थित जो है समाज शास्त्र के अर्थ के अनुसार एक व्यक्ति के पद का सूचक भी होता है। प्रस्थित व्यक्ति के गुणों का योग है, ये बात गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित परिस्थिति नहीं है, वो परिस्थिति छांटनी है जो अर्जित परिस्थिति ना हो। चिकित्सक, अभिनेता, युवा, मुख्यमंत्री। तो चिकित्सक जो है ये अर्जित परिस्थिति है, अभिनेता भी अर्जित परिस्थिति है, और मुख्यमंत्री ये सब अपने आदमी अपने कौशल अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, जबकि युवा जो है वो उसको प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, प्रश्न नंबर 63, यह किसने कहा है, मजूमदार एवं मदान, बाटोमोर, घुरिये, हट्टन। तो ये बात कही है मजूमदार एवं मदान ने। प्रश्न नंबर 64 है, जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं, यहाँ ये शब्द के बाद ध्यान देना है, नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जात, वर्ग, स्तरीकरण या विभेदीकरण। तो जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे विभेदीकरण करते हैं, और वहीं जब समाज का उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजन करते हैं तो वो स्तरीकरण हो जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्रश्न नंबर 65 है कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता है, केवल बाध्यता, केवल बाध्यता, केवल बाध्यता, ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्य की विशेषता बताई है वो केवल बाध्यता और केवल बाध्यता दोनों को बताया है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, नहीं है, फॉगवेज, वीरस्टीड, ह्यूमन सोसाइटी, डेविस, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, स्पेंसर, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, वेस्टरमार्क। तो फॉगवेज जो लिखा है वो समनर ने लिखा है, वीरस्टीड ने इसको नहीं लिखा है, ये समनर ने लिखा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण कैसे होता है, किससे होता है, ईर्ष्या से, तुलना से या तुलनात्मक अवबोध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संदर्भ समूह जो व्यवहार है उसके उसका निर्माण जो है वो तुलनात्मक अभावबोध से होता है। प्रश्न नंबर 68 है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वो रूपांतरित हो जाती है, प्रतिस्पर्धा नियमों पे चलती है और जब नियमों का अनुपालन नहीं होता है तो वो रूपांतरित हो जाता है, ऑप्शन है सहयोग में, आत्मसात्करण में, संघर्ष में, समझौता में, तो वो रूपांतरित होती है संघर्ष में। समाजशास्त्र का जन्मस्थान है, समाजशास्त्र का जन्मस्थान है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो फ्रांस में, क्योंकि अगस्त कांट ने इसकी रचना की थी और वो फ्रांसीसी थे, इसलिए फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्मस्थान है। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना जिम्मेदार है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में कौन सी घटना जिम्मेदार है, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या फिर ए और बी दोनों। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए प्रादुर्भाव के लिए फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों घटनाएं जिम्मेदार रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से जो घनिष्ठ सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ऑप्शन है फेयरचाइल्ड, कूले, लुंडबर्ग, टानिज। तो प्राथमिक समूह की यह परिभाषा आप प्राथमिक समूह समझ के कूले मत समझिएगा, क्योंकि प्राथमिक समूह की यह परिभाषा लुंडबर्ग ने दी है। प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं ये छांटना हमको, समनर, अंता समूह और वाय समूह, सोरोकिन समस्तरीय एवं उदग्र स्तरीय समूह, कूले प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह, सिमेल महत्वपूर्ण अन्य समूह, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण अन्य समूह इसको मीड ने दिया है, मीड ने सिग्निफिकेंट अदर, महत्वपूर्ण अन्य और सामान्य सामान्यीकृत अन्य ये बात दोनों कही है उन्होंने, इसको कहा है सिग्निफिकेंट अदर और इसको कहा है जनरलाइज अदर, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर करता है, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में, यातायात के साधन, संचार के साधन, व्यावसायिक भिन्नता, विवाह का स्वरूप। तो नगरीय और समुदाय में जो अंतर विशेष अंतर है वह है व्यावसायिक भिन्नता का। प्रश्न नंबर 74 है, जनरीतियों और रूढ़ियों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, स्वतः उत्पत्ति, विविधता, दंड का कानूनी प्रावधान, मान्य व्यवहार। तो
जनवृत्तियाँ और रूढ़ियाँ जो हैं उसकी स्वतः उत्पत्ति होती है और उनमें विविधता भी पाई जाती है, दंड का कानूनी प्रावधान नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो है जनवृत्तियाँ और रूढ़ियाँ जो है वो अनौपचारिक श्रेणी में आती हैं और दंड का कानूनी प्रावधान जो है वो औपचारिक कर की कैटेगरी में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, 75, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार परंपरा के अंतर्गत आता है, परंपरा का अंतर्गत आता है, कन्या विवाह में दहेज देना, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को डांटना, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो इसमें जो है ये दहेज निरोधक अधिनियम 1900, ये सब कानूनी प्रावधान है, विधि द्वारा बनाए गए हैं, घरेलू हिंसा भी कानूनी है, ये कानूनी द्वारा है, और छोटे भाई द्वारा बड़े भाई को डांटना ये बात गलत है, छोटा भाई द्वारा बड़े भाई डांटना ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं रही है, कन्या विवाह में दहेज देना ये परंपरा हमारे यहाँ प्रथा के रूप में चलती आ रही है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं कि समाज शास्त्र की भाषा में एक गांव क्या है, एक गांव को हम क्या मानते हैं, समाज, संगठन, समिति या समुदाय, तो एक गांव को हम लोग समुदाय मानते हैं समाज शास्त्र में। प्रश्न नंबर 77 है कि किसी संगठन की औपचारिक संरचना में क्या निहित होता है, संगठन, वैयक्तिक भूमिकाएं, सत्ता का प्रत्यायोजन, गुट या फिर वैयक्तिक हित, तो किसी भी संगठन की औपचारिक संरचना होता है वो व्यक्तिगत हित से प्रारंभ होता है, तो ये ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 78 है कि परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है, सर्वाधिक आवश्यक, बहुत सारे कार्य होते हैं उसमें सर्वाधिक आवश्यक कार्य पूछा जा रहा है, ऑप्शन है घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और पालन पोषण, धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन, तो परिवार का सर्वाधिक आवश्यक जो कार्य है वो संतानोत्पत्ति और पालन पोषण का है, क्योंकि इसके थ्रू ही समाज की जो है वो गति बढ़ती रहती है और समाज आगे बढ़ता रहता है, नए सदस्य आते रहते हैं और पुराने सदस्य जाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है, मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल, ऑप्शन है स्पेंसर ने, मार्टन ने, मार्क्स ने और बेबर ने, तो समाज का जो ये वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक के रूप में किया है वो स्पेंसर ने किया है। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन है सोरोकिन, सीमेल, जिन्सबर्ग, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सीमेल जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं और सोरोकिन जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं और इसी तरीके से गिन्सबर्ग भी स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है कि किसने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, तो ये बात कहती है, ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, गोल्डनर, ग्रीन, बोगार्डस, ये बात है मैकाइवर एवं पेज की। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त प्रस्थित का उदाहरण है, एक ग्राम प्रधान, एक विधि स्नातक, एक विवाहित व्यक्ति, एक क्षत्रिय लड़की, प्रदत्त प्रस्थित, एक ग्राम प्रधान जो होता है वो अपनी अर्जित योग्यता कुशलता के बल पे होता है, विधि स्नातक भी अपनी योग्यता कुशलता क्षमता के आधार पे होता है, विवाहित व्यक्ति भी, ये भी अर्जित प्रस्थित के अंतर्गत आता है, लेकिन एक क्षत्रिय लड़की ये प्रदत्त प्रस्थित के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मुख्य प्रस्थित हीलर, प्रस्थित संकुल डेविस, प्रस्थित प्रतिमान लिंटन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मुख्य प्रस्थित यहाँ हमको बताना सुमेलित नहीं है, तो मुख्य प्रस्थित हीलर ये सही है। अब प्रस्थित संकुल स्टेटस सेट जो है ये मार्टन ने दिया है, ये मार्टन ने दिया है, और प्रस्थित प्रतिमान जो है ये, अब यहां पर जो देखिए इंग्लिश वर्जन में यहां स्टेटस सेट लिखा गया है, जबकि इसका होना चाहिए स्टेटस सेट का प्रस्थित संकुल, इसकी हिंदी होनी चाहिए प्रस्थित संकुल, और जो स्टेटस कॉम्प्लेक्स दिया गया है ये यहां प्रस्थित संकुल दे दिया गया है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत लग रहा है। इस प्रश्न को जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन गलत लग रहे हैं, एक तो ये भी और एक ये भी। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध ना हो जिसका, अर्थात तो समन्वयात्मक संप्रदाय से हो, तो स्वरूपात्मक ऑप्शन देखते हैं सिमेल,
मैक्स वेबर, वान बीज और सोरोकिन। तो सिमेल, मैक्स वेबर और वान बीज ये तीनों जो है वो समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं और सोरोकिन जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषता नहीं है अस्थायित्व, सुपरिभाषित उद्देश्य, मूर्त प्रकृति, सामूहिक स्वीकृत। तो संस्था जो है उसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, सुपरिभाषित उद्देश्य उसके होते हैं लेकिन उसकी मूर्त प्रकृति नहीं होती है। संस्था की जो है वो प्रकृति कौन सी होती है? वो अमूर्त होती है, अमूर्त प्रकृति होती है संस्था की। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये सुमेलन जिसका ना हो वो ऑप्शन मुझे छांटना है। संस्कृतिकरण, ए आर देसाई, प्रदत्तियों अर्जित परिस्थितियाँ, राल्फ लिंटन, द सोशल ऑर्डर, रॉबर्ट बीरस्टीड, प्राथमिक समूह, सी एच कूले। तो इसका ऑप्शन है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण का ऑप्शन अवधारणा दिया है एम एन श्रीनिवास ने, एम एन श्रीनिवास ने। तो ऑप्शन ए सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं, परिवार उदाहरण है, परिवार किसका उदाहरण है? एक संस्था का, एक समिति का, ए तथा बी दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो परिवार एक संस्था भी होती है और एक समिति होती है, ऑप्शन सी सही है। किसने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? मार्क्स ने, नेसफील्ड ने, दुर्खीम ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो ये बात कहते हैं नेसफील्ड। प्रश्न नंबर 89 है कि जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने एक प्रश्न अभी देखा था कि जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, विभेदीकरण और अस्त्रीकरण। ये ऑप्शन है आपके सामने। तो जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं किया जाता है तब उसे हम कहते हैं विभेदीकरण, लेकिन जब समाज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में विभाजित किया जाता है तब उसे कहते हैं अस्त्रीकरण। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 90 है, वह पद्धति जिसके द्वारा मनुष्य अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करता है कहलाती है? विज्ञान, धर्म, कला, जादू। तो जादू के द्वारा अलौकिक शक्ति को व्यक्ति नियंत्रित करता रहा है इसलिए जादू है। प्रथागत, प्रश्न नंबर 91 है, प्रथागत कानून मुख्य रूप से पाए जाते हैं जटिल समाजों में, औद्योगिक समाजों में, जनजातियों एवं कृषक समाजों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रथागत कानून है वो जनजातियों एवं कृषक समाजों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 92 है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? ऑप्शन है आपके सामने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम ने, ए तथा बी दोनों ने, अगस्त कांट ने। तो सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है, यह बात कहते हैं अगस्त कांट। किसने कहा है कि 93 है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? तो ये बात कहते हैं ऑप्शन क्रोबर ने, मजूमदार ने, बोगार्डस ने, रेडफील्ड ने, क्रोबर, क्रोबर ये बात कहते हैं। किसने कहा है कि उपजातियां सबसे छोटे अंतःविभागीय समूह हैं? ए आर देसाई ने, ए सी मेयर ने, जी एस घुरिए ने, एन के बोस ने। ये बात कहते हैं जी एस घुरिए ने। प्रश्न नंबर 95 है, किसका कथन है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो ग्रेस्वामिनी है और ना ही दासी बल्कि उसकी बहन है? मजूमदार एवं मदान के, मैकाइबर एवं पेज के, बांस एवं बेकर के, आगवर्ण एवं निमकाफ के। ये बात कहते हैं बांस एवं बेकर। प्रश्न नंबर 96 है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है? मैक्स वेबर ने, अगस्त कांट ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम ने। तो ये समाजशास्त्र की समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, ये मैक्स वेबर के कथन है। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं कि किसका मत है जहां जीवन है वहीं समाज है? ऑप्शन है आपके सामने, मजूमदार एवं मदान का, देसाई एवं श्रीनिवास का, मैकाइवर एवं पेज का, आगवर्ण एवं निमकाव का। तो ये मत है मजूमदार एवं मदान के। 98 है, निगमन विधि में हम चलते हैं, निगमन विधि में, निगमन विधि में विशिष्ट से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक ये, और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं
सामान्य से, मतलब जो जनरल है उसको इंडिविजुअल जब करते हैं तो वो होता है निगमन विधि अर्थात ये। लेकिन जब विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं, मतलब हम जब एक छोटी सी चीज़ से लेके और अपने सिद्धांत की रचना करते हैं तब वो हो जाता है आगमन। लेकिन जब सिद्धांत से हम व्यक्ति की तरफ आते हैं या छोटी घटना की तरफ आते हैं तब हो जाता है निगमन। तो ये होगा आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन क्या होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया नहीं है समाजीकरण, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है हम लोगों को बताना है, समाजीकरण ये है, एकीकरण भी है, सामाजिक विघटन है ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन संवेदनशीलता ये एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, इसलिए ये सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 है, एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियाँ होती हैं। एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियों को किसके अंतर्गत रखा जाता है, ध्रुवीय, अर्जित, प्रकार्यात्मक या प्रदत्त। तो औद्योगिक समाज में जो व्यावसायिक परिस्थितियाँ होती हैं वो अर्जित की जाती हैं, इसलिए उनको जो है अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत रखा जाता है। और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।